व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 8:20 और हम निकल गए हैं कॉलेज के लिए। आज सोचा थोड़ा व्लॉग बना दें, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस व्लॉग था लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। थोड़ा लेट हो रहा हूँ तो जल्दी फटाफट चलना पड़ेगा। तो आज मैंने सोचा गोप्रो लेके जाने का, क्योंकि फोन से एक्चुअली ऑडियो नहीं इतना ठीक से आता ट्रेन में जब मैं व्लॉग करता हूँ, तो ऑडियो में डिस्टॉर्शन बहुत हो रहा है, वो मैंने एडिटिंग में नोटिस किया। ट्राईपॉड लगाना था मुझे आज, बट ट्राईपॉड नहीं लगा पाया क्योंकि मेरी सीआरवी में मेरा ट्राईपॉड था। तो ऑलमोस्ट 8:23, तो अभी भागना पड़ेगा, देव का फोन आता ही होगा। तो ये जो वॉकिंग का डिस्टेंस होता है मेरा रोज का सेम होता है, मैं रोज यही रूट से निकलता हूँ सुबह को कुछ 8:15-8:20 को घर से निकलने के बाद ये रास्ते पे, मतलब पीछे की साइड से कभी लेट हो जाता हूँ तो आई कैच एन ऑटो, बट यूजुअली तो मैं चल के ही जाता हूँ, विच इज़ गुड। मॉर्निंग में भी थोड़ा चलना हो जाता है। हेलो, किधर है तू? आ रहा हूँ मैं भी यार। हाँ तो ट्रेन आ गई है, ठीक है जी। तो हमारी ट्रेन एक्चुअली आ चुकी है, 8:39 को निकलती है, इट इज़ 8:31, थोड़ा लेट हो गया बट फाइनली रीच। बहुत भाग के आया मैं। अभी बैग को डालते हैं, ऊपर थोड़ा पानी पीना था। तो ये लोग अभी फ़ोन में क्या देख रहे हैं मुझे नहीं पता, हेडफोन शेयर किए इसने एक और इसने एक। भाई कुछ गलत नहीं देख रहे हो ना? नहीं भाई, पक्का पक्का। आज बहुत अच्छा डिसीजन किया कि मैं मीडिया मोड लेके आया। मेरा मीडिया मोड एक्चुअली जो मेरी फ्रंट स्क्रीन है थोड़ी ब्लर हो गई है, तो मेरी 2 मिनट के लिए फट गई। मैंने बोला भाई गोप्रो के लेंस के अंदर फॉग हो गया, लेकिन इधर से दिख रहा है ना बराबर? दिख रहा है पीछे की स्क्रीन से बराबर। मैंने थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा रखा है, इसके लिए ब्राइटनेस कम करना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा फॉग बढ़ते जा रहा है इसमें। शिट, मेरी फट गई 2 मिनट के लिए, मेरे को लगा अभी कैमरा। एक्चुअली व्लॉग कर रहा हूँ फोन से और गोप्रो से नहीं, गोप्रो में बहुत टाइम लैप्स और स्लो मोशन से आपने जो देखा वो लिया, तो उसमें फिर बैटरी कम है। आते टाइम एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, शेयर करेंगे व्लॉग में, तो उसके लिए मैंने गोप्रो में बैटरी बचा के रखी है और मुझे कॉलेज में गोप्रो निकालना नहीं है, फिर भीड़ जमा हो जाएगी, तो आई एम लाइक कि फोन से ही व्लॉग करेंगे। और ट्रेन में अभी एक छोटा सा सीन हो गया, मैं बताता हूँ अभी आगे जाए। अरे बोलेगा पहले खड़ा रहने का, उतरने का तो पहले खड़ा रहने का, बाद में चढ़ाई। ये आगे की साइड पे जो सिग्नल आएगा वो सबसे डेंजरस सिग्नल है। हाँ देव, आगे की साइड पे अभी जो सिग्नल आएगा सबसे डेंजरस सिग्नल है भाई, बच के चलने का। हम लोग तीनों एक दूसरे में ये डिस्कशन करते रहते कि जब भी हम लोग ये 2 साल जब भी रोज कॉलेज आ रहे, एक दिन पक्का गोवंडी के कोई हॉस्पिटल में जाएंगे, क्योंकि इधर जब सिग्नल चालू भी होता है बंद भी होता है तब भी लोग कैसे ना कैसे, मतलब भाई बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं बताता हूँ। अभी ये लोग कट मारेंगे सीधा ऐसा जाके ऐसा, ये देखो वैगन आ रहे। चलो ये तो थोड़ा कट छोटा मारा इसने, यूजुअली लोग इधर से देखो, रिक्शा को देखो, जिस दिन रिकॉर्ड किया उस दिन कोई कट मारे। हम लोग रोज रोज जब जाते तब भाई कट मारते भाई लोग, हम लोग रोज एडवेंचर करके निकलते, आज साला किसी ने कट नहीं मारा। और भाई क्या डेंजर होता है वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, वैसा कट मारते लोग मजबूत एकदम। तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ एग्जैक्ट सीन क्या हुआ ट्रेन में। एक बंदा था, तो हम लोग एक्चुअली
मैं गोरेगांव से करता हूँ, इन लोग भी मलाड से स्पेशली गोरेगांव आते ट्रेन पकड़ने के लिए। ये हम लोग की ये जो ट्रेन है सीधा हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को विदाउट चेंजिंग इधर पहुंचा देती है गोवंडी। तो टेक्निकली कॉलेज चेंबूर में है बट गोवंडी में ही बोलते हैं ये एरिया को। तो अभी सीन ये हुआ कि मैं आगे गया और मैंने आगे वाले को पूछा कि भाई किधर उतरने गए देखो, तो बोलता है कि मेरे को नहीं उतरने गया। मैंने बोला तो हट जा। तो फिर मैं आगे गया थोड़ा और एक बंदा था दूसरा मेरे को बोलता है कि अगर उतरने का है तो पहले आगे खड़ा रहने का। अभी भाई मैं मेरी खिसक जाती है, मेरे से कोई अगर ऐसे बात करता है तो मेरी खिसकती है। तो मैं उसको घूर घूर के देखा, मैं कुछ बोला नहीं क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता तो पक्का मैटर हो जाता और अभी कॉलेज का टाइम था, मेरे को लेट नहीं करना था, फिर बहुत सीन हो जाता। तो मैंने कुछ बोला नहीं बट उसको खाली घूरा और वो भी मेरे को घूरा और ये उसको धक्का मार गया, मतलब ये सब सीन होता रहता है चलता है। बट वर्बल मेरे को चालू नहीं करनी थी फाइट, वर्बल फाइट नहीं चालू करनी। वर्बल फाइट अगर मैं चालू करता तो पक्का सीन हो जाता, फिर ये भी आ जाता और ये भी आ जाता। उससे मैंने बोला भाई छोड़ो, कुछ बोलना नहीं है, सब थोड़ा माइंड कंट्रोल किया और आ गए, वरना उसको छोड़ता नहीं था। अगर किसी और काम से आया होता इधर में तो लेट भी हो जाता तो भी चलता, बट छोड़ देने कुछ नहीं। तो ये हम लोग का रोज का कॉलेज का रास्ता, जितने भी कॉलेज के सब लोग स्टूडेंट हैं हम लोग सब लोग स्टेशन से जब पूछते हैं, ये रास्ता सुबह को ये 10 बजे को ऑक्यूपाइड रहता है और शाम को 5 बजे। तो हम लोग की ऑलमोस्ट पूरी क्लास सब लोग हम लोग ये एक रूट है रोज का। मैंने बोला एक मेमोरी के लिए शूट करके आप लोग को दिखा देता हूँ, ऐसे तो मैंने बहुत किया है ब्लॉग में डाला है बट डिटेल में कभी बताया नहीं। तो मैंने बोला आज डिटेल में बताएंगे एक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा कैमरा मैन देव रिकॉर्ड कर रहा है कैमरा के पीछे, थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग मैन, मोस्ट वेलकम। करण का डेब्यू हुआ है हमारे ब्लॉग में, तो अभी क्लास जाएंगे। अभी सबसे पहले लेक्चर है उसके बाद प्रैक्टिकल है, पर उससे पहले खाली करेंगे अपनी टंकी। तो देव एक्चुअली पीछे है, वो लोग दोनों फील इट इन माय बोन्स, आई कैन फील इट इन माय वेन्स। तो की क्लास कौन से फ्लोर पे हम लोगों को नहीं पता, हैंड्स इन द स्काई देखते इधर मिले। आई कैन फील द विंड्स ऑफ चेंज, यू लिव इन योर। तो सारंग की बहुत टाइम से इच्छा थी मेरे ब्लॉग में आ रही है, भाई ब्लॉग में आ गया तू, हाय बोल दे। हाय गाइस। अरे अभी शर्मा रहा है क्यों है, अभी हाय बोल दे हमको, तुम शाउट आउट दो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तो अभी कौन, अभी है पीसी का लेक्चर, इट इज 10:11, अभी 5 मिनट में चालू होगा ना भाई। अरे शर्मा मत रे भाई, अभी शर्मा शर्मा रहा क्यों है भाई, देख अखिल नहीं शर्मा रहा और तू शर्मा रहा, आदित्य को देख एकदम कॉन्फिडेंस इधर देख रहा है, देख एकदम कॉन्फिडेंस, और तू यार ऐसा करता है यार कैसे चलेगा ये, क्या क्लैश रॉयल है क्या। तुम लोग लिफ्ट में है ना, मैं चढ़ के आया तो भी मैं जल्दी आया, चल के आएगा वो जल्दी आएगा। तो भाई काहे के लिए लिफ्ट का वेट किया, लेकिन इतना लिफ्ट में मजे है। अच्छा वो मजे क्यों है मैं समझ गया। तो इट इज 11:15 नाउ और अभी हम लोग का एक बहुत ही बोरिंग लेक्चर खत्म हो चुका है। अरे नहीं दिखाऊंगा, अरे चैटिंग कर ले तो नहीं दिखाऊंगा। हाँ देव बहुत ही बोरिंग लेक्चर खत्म, बोल नहीं सकते कौन सा था बट बहुत बोरिंग था। क्लास में एक ऐसा बंदा होता है जो चुपचाप सबके पीछे चुप के हंसता रहता है और देखो 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 मुंह छुपा रहा है ये, और ये हम कुछ भी बात करते हैं तो हंसता रहता है बस। हंसना भाई बहुत अच्छी स्मेल, अबे हंसना सच्ची होता है। अरे भाई स्कॉलर है क्लास का, दिखता शक्ल से एकदम हरामी है लेकिन स्कॉलर है, उसके लिए अपन मान गए तेरे को, उसके लिए देखो। अबे भाई तू है स्कॉलर है, मान ले है, मैंने बोला है तो है, मैंने बोला है तो है। नहीं भाई इन लोग को ब्लॉग में नहीं लूंगा मैं काहे के लिए किसी को फुकट में फुटेज दूं भाई, मैं सिर्फ मेरे पहचान वालों को ही देता हूँ फुटेज। हाँ तो और देव सबसे ज्यादा फुटेज मेरे ब्लॉग में देवी खाता है, मैं स्टोरी में हर जगह। तो हम लोग का हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर और तुरंत ब्लॉग चालू कर दिया मैंने। अभी ब्रेक है तो हम लोग ने काफी कुछ अलग अलग, अभी किधर गए कुलरन जी, तो काफी कुछ अलग अलग चीजें, ये तो बहुत पहले का लेक्चर का नोट्स है, ऐसे लिखना पड़ता है क्या करूँ। तो हम लोग ने आज ये सब पढ़ा, थोड़ा इंटरेस्टिंग था लेक्चर, तो थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं, खाली PPT पढ़ाई ये, बट ठीक है जो भी था इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया। अच्छा आके रुका हुआ है कि कब मुझे प्रियम ब्लॉग मिले और कब मेरे फॉलोअर्स बढ़े इंस्टाग्राम में। ये बॉडी बिल्डर को फॉलो क्या है भाई तेरा आईडी, अननोन की कमांडो क्या कौन सा DM फॉर फन इधर कैसा है भाई अरे ये तो म्यूट करना पड़ेगा अभी तो ये ब्लॉग में म्यूट करना पड़ेगा। सुन भाई आ गया ब्लॉग में, आ गया तू बोल दे वो आ गया, अभी ये म्यूट करना पड़ेगा इधर
देव क्या बोलता है, म्यूट करूँ कि डाल दू? डाल दे बोलता हूँ डाल देता भाई, म्यूट करूँ कि डाल दू? पर तू तू बोला वो भी आया, वो भी डाल दू? चलो इसका नाम भी दिखाई देते फिर, प्री कर दो। चल चल आ जा भाई, मेरे को करने दे अभी। देखो भाई ये लोग, ये लोग भाई कैसा, एक साथ तीन चार लोग साइन कर रहे हैं भाई। वाह 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 वाह, लफड़ा हो गया ऑन कैमरा भाई, ऑन कैमरा आई ये बिलो लफड़ा करता था ना देवन है ना, ये शूट कर लीजिए। हाँ अरे ये कुछ गलत ही हो रहा है अभी, अरे ये क्या है अभी, माँ की भाग। तो प्लीज एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, हम लोग ने कुछ भी नहीं किया पहले से, ऐसा है हम लोग बस मजे ले रहे थे, हम लोग ने सिर्फ मजे लिए, हम लोग ने और कुछ भी नहीं किया, ऐसे का ऐसा ही था पहले से। तो इसकी जो भी अपॉर्चुनिटी है जिंदगी में सब ये बंदा खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं अपना अलग से कर रहा हूँ। अरे पर यार देव ऐसा नहीं होता ना, अरे भाई क्या बोलेंगे, सब अपॉर्चुनिटी कैसे ले सकता है भाई, कैसे कैसे, नशीली आंखें है इसकी। नशीली आंखें बताना भाई। नहीं नहीं। अरे भाई दो दिन पहले तेरे जैसा कोई देखा मैं, इन लोग दोनों मेरे को बोल रहे थे कि ये खुशहाल ही है, फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बोला भाई खुशहाल है कि, मैं चिल्लाया अभी उसको, अरे अरे सुनना रे, मैं बुलाया अभी खुशहाल जोर से, वो पीछे भी देखा, वो टोपी पहना था तेरे जैसी रेड कलर की, बोले ये खुशहाल है, फिर मालूम पड़ा कि कोई और था। अरे ये मेरे को बोला कि कुशल है तो मैं चिल्लाया सर। हाँ नहीं रे कुछ और नहीं है रे, सिर्फ हाँ रे भाई मैं रोज याद कर रहा, ऐसी याद करता हूँ रे, और कुछ नहीं रे, और कुछ नहीं है हम लोग के बीच में, और कुछ नहीं। थैंक यू भाई, क्या हैप्पी बर्थडे, हाँ थैंक यू भाई। अरे भाई मैं भाई स्टार्टिंग में बैठ रहा हूँ, फिर नहीं बैठूंगा, अरे स्टार्टिंग में बैठ रहा हूँ, क्या बात कर रहा है, मेरे को भी पढ़ा ले थोड़ा, मेरे को भी पढ़ा ले थोड़ा। कौन सा कर रहा है, ऑलमोस्ट सुना है, फिर से बोलना रे, अच्छे से सब लोग आ रहे हो, बोल क्या बात है, अच्छे से नेचुरल हो, नेचुरल हो यार, स्क्रिप्टेड नहीं चलता, हम लोग बोलते हैं अच्छा बोल, अरे ये मेरा बंद करके बोलते हैं, ऑफिस वाला ऑफिस वाला, मैं खा रहा था चॉकलेट, खा रहा था ये कुछ बोला, अच्छी बात बोला मैंने, बोला भाई फिर से बोल, इसमें स्क्रिप्टेड क्या हो गया, तारीफ फिर से बोलने की, बुराई फिर से नहीं बोलने, चल 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 भाई। और ऋषभ भाई कैसा है, अरे आ गया भाई तू, अरे भाई अभी आ गया, लाइव स्ट्रीमिंग ही ले रहा है, आ गया, आ गया भाई, अभी ऐसे ही होता है, प्लान करके थोड़ी शूट करूंगा, अभी मैं बोल रहा हूँ प्लान करेगा ना तेरा रिजल्ट ज्यादा आएगा, सच में बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, अरे भाई लेकिन मैं तू स्क्रिप्टेड था, अरे नहीं कर सकते, बोल के बोल रहा भाई, इंस्टा पे डीएम आएंगे, इसको भी ऐसे ही जाके सीधा मुंह पे कैमरा मारा, 100 डीएम, पर कल उसको पूछा था मैंने कि भाई करो ना, नहीं रे अभी तो, अभी तो सिर्फ शूट, अभी इट इज 3 और हम लोग का प्रैक्टिकल है, क्लास वास सब खत्म हो गया, तो प्रैक्टिकल वैक्टिकल सब कुछ खत्म करने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं, इट इज 4:51, चलो भाई फटाफट चलो, गाइस कॉलेज हो चुकी है खत्म, इट इज 4:55 अभी जा रहे हैं घर पे, इट वाज अ वेरी लॉन्ग डे, मतलब मैंने जितना शूट किया उतना तो आपको कुछ आइडिया नहीं आएगा, क्या बोलते हैं देव, मतलब यार पूरा दिन हम लोग, आप लोग तो 10 मिनट का एक छोटा सा व्लॉग देख रहे हो आप लोग, लेकिन हम लोग तो भाई हम लोग की ऑफलाइन में तो भाई बहुत बैंड बजी, 7 घंटे यूजलेस या यूजफुल ऑन कैमरा तो नहीं बता सकते, अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग का जब ऑनलाइन था, ऑनलाइन के टाइम पे यार ऐसा था कि घर पे बैठे रहते थे, कॉलेज भी 2 साल हम लोग का ऑनलाइन निकला, रियल इंजीनियरिंग तो हम लोग बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग, पहले क्या होता है कि यार फर्स्ट ईयर से ही आप नए दोस्त बनाते हो, ये करते हो वो करते हो, वो सारी चीज़ें हम लोग 2-2.5 साल बाद कर रहे हैं, तो मोस्टली अभी तो बहुत हार्ड गिरता है सब करने का, अभी ऑनलाइन की आदत से ऑफलाइन में हम लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब उतना परेशानी होती है, खुद की मेरे को चीज़ें कोडिंग, ये कोडिंग मैं भी नहीं कोडिंग कर पा रहा,
टाइम टेबल ऑल दो हम लोग एक इफेक्टिव बना सकते हैं, बट क्या करें यार। मतलब तो GoPro की बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं, तो मैं ये बोल रहा था देव को कि यार अभी एक कैसे एक टाइम टेबल बनाए कि कुछ कोड कर पाए, कुछ काम में YouTube वीडियो एडिट कर पाऊँ, क्योंकि अभी वीकेंड है तो चलो एक ब्लॉग एडिट कर लूंगा मैं, लेकिन अगर रोज ऐसा वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जाना होता तो क्या। तो यार मतलब हम लोग थोड़ा दिमाग से वो हो गए, बट ठीक है अभी टाइम के साथ मैनेज कर लेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, डिफिकल्ट है बट देखते हैं। तो दिस वॉज इट फॉर द व्लॉग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। भाई अभी इसको एडिट कैसे करूँगा ना, मेरे को यही नहीं मालूम। देखते चलो भाई।